हे गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज पॉलीनोमियल रिग्रेशन। हमने पिछले कुछ वीडियोस में बहुत सारी वीडियोस में लीनियर रिग्रेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, जिसमें हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन फिट करने की कोशिश करी। अब मान लीजिए हमारे पास एक इस तरीके का डेटा सेट है, जिसमें स्ट्रेट लाइन से इस डेटा सेट को फिट करना स्ट्रेट लाइन से बहुत मुश्किल है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि मतलब अगर स्ट्रेट लाइन नहीं काम कर रहा है तो क्या करते हैं, तो हम लोग एक पॉलीनोमियल डिग्री का इक्वेशन लेंगे और उसको फिट कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल इस पॉलीनोमियल इक्वेशन की डिग्री मान लीजिए आता है 2x³ - 5x² +4x - 6, लेट्स से ठीक है, इसकी इक्वेशन ये आती है। तो बेसिकली इसमें क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बेसिकली अगर सच बताऊँ तो कुछ भी नहीं होता है। अगर हमारा डेटा पॉइंट, अगर हमारा जो फिटिंग लाइन है, मतलब लाइन तो नहीं है, अगर फिटिंग पॉलीनोमियल हमारा मल्टी पॉलीनोमियल डिग्री है, मतलब मल्टी डिग्री का है, तो बेसिकली सारे प्रोसीजर सेम होते हैं। इसमें हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम लोग उसको मिनिमाइज़ करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट का यूज़ करके, और वेट्स को अपडेट कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास वेट्स 2, 5, 4 और 6, इन बेसिस पे इस पे काम होता है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमारे पास सिंपल और कॉम्प्लेक्स मॉडल है, जैसे कि ये जो मॉडल है इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि हमारे पास इक्वेशन मल्टी पॉलीनोमियल डिग्री है। तो बेसिकली ये जो पूरा ग्राफ है ये कॉम्प्लेक्स ग्राफ हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर हमारे पास सिंपल ग्राफ है और कॉम्प्लेक्स ग्राफ है, तो बेसिकली हम लोग कैसे चूज़ करेंगे कि हमें सिंपल लेना है कि कॉम्प्लेक्स, हम लोग को सिंपल लेना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स ग्राफ लेना चाहिए, वो लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड दैट्स इट, इस वीडियो में बस इतना ही, छोटा सा चीज़ बताना था। और अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग रेगुलराइजेशन के बारे में भी बात करेंगे। एंड दैट्स इट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।